वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे श्रोतियों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी सिख इतिहास किताब का अगला भाग पढ़न जा रहे हाँ, पन्ना नंबर 285। भाग चौथा, अंतिकावां। अंतिका नंबर 1, जन्म साखियां ते गुरु नानक दे जीवन दे होर स्रोत। ओहो समगरी जिस उपर वर्तमान समय प्रचलित लिखिया हुई गुरु नानक दियां जन्म साखियां आधारित हैं, एक इतिहासकार दे दृष्टिकोण तो ना काफी हैं। नानक दे ज्योति जोत समाउण तो 50 साल मगरों पहली जन्म साखी लिखन की कोशिश की गई सी, भाव उस समय काफ़ी लोग ज्यौते सन जिहड़े गुरु नानक नू निजी तौर ते जानते सन, परंतु उन्हां तो जानकारी लैके उन्हां दे प्रभाव लिखन की घट ही कोशिश की गई। उस पिछों कई होर जन्म साखियां लिखिया गई सन। असी बिल्कुल नहीं जानते कि सब तो पहला केड़ी जन्म साखी लिखी गई, ना ही ये जानते हाँ कि उन्हां दे लिखन का आधार केड़ी समगरी सी, पर जदों यह लिखी गई तो फिर मगरों कई होर लिखिया गई जिन्हां विच पहलियां तो समगरी लई गई जां जिवें रचनकार नूं उचित लगा वादू विस्थार छड्ड दिता। भाई मणि सिंह वल्लों लिखी गई जन्म साखी तो बिना सब जन्म साखियां दी शैली जां लिखण ढंग तो साफ पता लगता है कि ओह घट पढ़े लिखे लोगों ने पूरे अनपढ़ लोगों लई लिखियां हन। ओह जन्म साखियां गुरु जी वल्लों करामाती कहानियां नाल भरियां पईयां हन। ओह तत्था पक्षों एक दूसरी का खंडन कर दिया हन ते कई तो स्पष्ट तौर पर गुरु जी दे परिवार की एक जां दूसरी सांख दा दावा पेश कर दिया जापदिया हन, जिन्हां नूं गुरगद्दी देण समें अणगौलिया कर दिता गया सी। उन्हां दे विषय वस्तु नूं आदि ग्रंथ विच्चों गुरु दी बाणी जां भाई गुरदास दियां वारां चों हवाले दे के होर ज़्यादा विगाड़िया गया सी। फिर भी जन्म साखियां नूं पूरी तरह रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हां दा आधार गुरु जी दे ज्योति जोत समाउण दे मगरले सालां विच गुरु जी नाल संबंधित कहानियां ते परंपरावां सन, ते ओह गुरु जी दे जीवन दे प्रमाणिक तत्थां विच वादा करदियां सन। ओह स्रोत जिन्हां उपर इस पुस्तक दा गुरु नानक नाल संबंध कांड लिखिया गया है हेठां दित्ते जांदे हन। जन्म साखियां, कई जन्म साखियां मिलदियां हन। नंबर 1, जन्म साखी भाई बाला। इस रचना बारे दावा पेश किया जाता है कि यह दूसरे गुरु श्री अंगद देव दे कहन ते बाला संधु ने लिखवाई। लेखक अनुसार ओह गुरु नानक दा निकटवर्ती साथी सी ते उस दियां बहुत सारियां यात्रावां विच ओह उस दे नाल रहा सी, परंतु इस दावे नूं रद्द करन दे अनेकां तर्क जां दलील हन। ऊड़ा, गुरु अंगद जिसने बाले तो यह जन्म साखी लिखवाई गुरु नानक दे आखिरी सालां विच उस दे निकटवर्ती साथी सन, पर बाले दे कहन अनुसार गुरु अंगद बाले नूं नहीं जानते सन, यह किवें हो सकदा सी। ऐड़ा, गुरु नानक दे सब उगे पैरोकार जिन्हां दे नाम साढ़े तक पहुँचे हैं भाई गुरदास ने अपनी रचना विच दर्ज किए हैं, ओह बाले संधु का जिक्र नहीं करता। ईड़ी, जिहड़ी भाषा इस जन्म साखी विच वरती गई है ओह गुरु नानक जां गुरु अंगद दे समें बोली ही नहीं सी जांदी, सगों ओह तां घट्टो घट 100 साल मगरों होंद विच आई। ससा, कुछ शब्द जो नानक नाल जोड़े गए हन ओह उस दे नहीं हन, सगों दूसरे ते पंजवें गुरु दे लिखे हुए हन। हा हा, कई थाई ऐसे कथन जिवें गुरु जी की फतेह आदि वरते गए हैं जो सिखां दे आखरे गुरु गुरु गोबिंद सिंह दे समय ही प्रचलित होए सन। निरसंदेह बाला जन्म साखी एक समकाली रचना नहीं है, वध तो वध इस नूं 18वीं सदी दे मुढ़ले काल दी रचना मन्या जा सकता है। नंबर 2, विलायत वाली जन्म साखी। 1883 ईस्वी विच लंडन दी इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी ने डॉक्टर ट्रंप ते उहदी सहायता कर रहे सिख विद्वानां दी वरतों लई इक जन्म साखी दा उतारा भेजिया। इह जन्म साखी लाइब्रेरी नूं
कोलब्रुक नाम दे एक अंग्रेज ने दिती सी। यह विलायत वाली जन्म साखी करके मशहूर हो गई। एहो जन्म साखी ट्रंप मैकालिफ ते अनेक सिख विद्वाना वालों लिखे गए बिरतांतां दा आधार बनी। कहा जाता है कि इस नूं 1588 ईस्वी विच सेवादास नाम दे व्यक्ति ने लिखा। मेहरबान वाली जन्म साखी। ओरिएंटल कॉलेज लाहौर दे एक उगे सिख विद्वान गुरमुख सिंह नूं एक होर जन्म साखी हाफिजाबाद चो मिली, जो कोलब्रुक दी लभी हुई जन्म साखी नाल बहुत मिलदी सी। गुरमुख सिंह जो सिख धर्म की खोज संबंधी मिस्टर मैकालिफ का सहयोग कर रहा सी, उसने यह उस अंग्रेज दे सपुरद कर दिती जिसने इस नूं नवंबर 1885 ईस्वी विच छपवाया। यह जन्म साखी पूरी तरह इंडिया ऑफिस वाली जन्म साखी नाल मिलती है। नंबर 4 होर जन्म साखियां। उस पिछों कई होर जन्म साखियां की खोज की गई है। वह वस्तु पक्षों मगरलियां दोहां जन्म साखियां नाल मिलदियां हन। प्रसिद्ध इतिहासकार करम सिंह ने अपनी खोज यात्रा दौरान लगभग अद्धी दर्ज जन्म साखियां का वर्णन किया है। सिट्टा यो निकलता है कि भावें इन्हां जन्म साखियां विच कोई भी समकाली नहीं है, पर वह जरूर किसी अजिही जीवनी ते आधारित हैं जो पहला लिखी गई सी पर वह हुण उपलब्ध नहीं है जां उसका खुरा खोज नहीं मिलता। एक इतिहासकार इन्हां नूं ना तो पूरी तरह रद्द कर सकता है ते ना ही स्वीकार कर सकता है। जो कुछ उन्हां जन्म साखियां विच वर्णन किया गया उस नूं प्राप्त समगरी दे नाल मेल के ही परख्या जा सकता है। नंबर 2 आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ विच गुरु नानक दीयां रचनावां भाव बाणी विच समकाली घटनावां दे हवाले भी मिलते हैं, जिन्हां विच सब तो वधिया महत्वपूर्ण 1521 विच सैदपुर दी बाबर वल्लों लुट है जिथे नानक भी हाजिर सी। यह तत्थ जन्म साखियां विच दित्तियां घटनावां दी तरतीब नूं उल्ट पुल्ट कर दिंदा है। इस तो बिना जन्म साखियां कुछ शब्दां नूं नानक नाल जोड़दियां हन, जिवें कि प्राण संगली जिस नूं आदि ग्रंथ दे संपादक गुरु अर्जन ने प्रमाणिक ते भरोसेयोग नहीं समझिया। इहो कारण सी कि इस नूं बड़ी मुश्किल नाल प्राप्त करन मगरों इस नूं अपने संपादित संग्रह विच शामिल नहीं किया गया सी। नंबर 3 भाई गुरदास दीयां वारां। भाई गुरदास ने अपनियां रचियां 39 वारां विच गुरु नानक देव जी दीयां घटनावां दा संखेप जिहा वर्णन किया है। बाकी तां वधेरे करके गुरु जी दी सिफत सलाह ते कीर्ति है। इन्हां वारां दी रचना गुरु नानक दे अकाल चलाने तों 50 तों 70 साल मगरों उन्हां लोकां दे जीउंदिआं कीती गई जो गुरु नानक नूं बहुत चंगी तरह जानदे सन, खास करके भाई बुढ़ा जिस नूं रचनाकार भी बहुत चंगी तरह जानदा सी। बदकिस्मती नाल भाई गुरदास ने भी प्राप्त जानकारी दी वरतों करके जीवनी ना लिखी, पर जो भी हवाले इन्हां वारां विच गुरु जी बारे मिलते हैं उन्हां नूं प्रमाणिक मन्या जाना चाहिदा है। नंबर 4 भाई मणि सिंह दी भगत रत्नावली। इस ग्रंथ की रचना 18वीं सदी विच कीती गई सी ते एह भाई गुरदास दी पहली वार दा टीका भाव व्याख्या है। इस विच गुरु नानक दे जीवन बारे होर मिलदी जानकारी शामिल करन दी कोशिश ना कीती गई। एह महत्वपूर्ण है कि भगत रत्नावली जिस विच गुरु नानक दे साथियां ते चेलियां दे नावां दी सूची दित्ती गई है उन्हां विच बाला संधु दा कोई जिक्र नहीं सी। नंबर 5 सरूप दास दा महिमा प्रकाश। इस दी रचना 1776 विच कीती गई। नंबर 6 संतोख सिंह दा रचित नानक प्रकाश। इस दी रचना 1823 विच कीती गई ते एह बाला संधु दे नाम नाल जुड़ी जन्म साखी उपर आधारित है ते इस विच उसे जन्म साखियां वाले दोष शामिल हन। नंबर 7 मोहसिन फानी दी रचना दबिस्तान।
ਇਹ ਲੇਖਕ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਮਈ ਹਨ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਹਾਸਿਨ ਫਾਨੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਨੰਬਰ 8 ਯਾਦਗਾਰਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1915 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਢਾਕਾ ਤੇ ਚਿਟਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਨ ਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1916 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਲੱਭਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੀੜਨ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਘੜ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਉਤਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਘੜ ਲਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਣ ਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਅੰਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਵੇਰਵੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਕਾ ਨੰਬਰ 2 ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਲੀ ਬਾਣੀ ਛਾਂਟਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਅਸਫਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭੇਜੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਨ ਪਾਸ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 3 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਉਸ ਪਾਸ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅਰਜਨ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰਾਮਸਰ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁਣੀ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 1604 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹਰਿਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ
इस दे मुख ग्रंथी थापे गए। क्योंकि पैरोकारां दे बहुते समूह सारे उत्तरी भारत विच फैले हुए सन, इसलिए उन्हां वास्ते ग्रंथ दियां परतां तैयार करनियां जां उतारे करने जरूरी हो गए। पहली प्रतिलिपि बनाउण समय ही उतारा करन वालियां ने थोड़ियां जिहियां तब्दीलियां कर दित्तियां, फलस्वरूप उस उतारे ते आधारित संस्करण इस दे फलस्वरूप गुरु अर्जन वालों लिखवाए गए मूल ग्रंथ की हूबहू नकल नहीं करते। पूरे 100 साल पिछों सिखां दे आखिरी गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने अपने पिता 9वें गुरु तेग बहादुर की बाणी सही थावां ते शामिल करके आखिरी ते सोध्या होया ग्रंथ तैयार करवाउण दा कार्ज करवाया। यह संग्रह वड्डे घल्लूघारे समय 1762 विच गुम हो गया सी। खुशकिस्मती नाल गुरु गोबिंद सिंह वल्लों संपादित किते ग्रंथ साहिब दे बहुत सारे उतारे इस घल्लूघारे तो पहला तैयार किते जा चुके सन। यह पहले 2 संस्करणां तो कुछ वख हन। इस तरह आदि ग्रंथ दी बीड दे 3 संस्करण हन। पहला करतारपुरी बीड। करतारपुर वाली बीड गुरु अर्जन ने भाई गुरदास नूं लिखवाई सी। यह संग्रह अमृतसर विच तैयार किया गया सी ते फिर मगरों करतारपुर ले जाया गया सी ते उस तो पिछों यह बीड उत्थे ही रही। इस ग्रंथ दियां पहलियां पंगतियां गुरु अर्जन दे हत्थां दियां लिखियां होईयां हन। इस दे अखीर विच उन्हां दे पुत्तर 6वें गुरु हरगोबिंद दे हस्ताक्षर भी हन। इस विच काफ़ी खाली पत्रे हन। एक परंपरा अनुसार यह गुरु अर्जन ने अपने उत्तराधिकारियों दीयां रचनावां लई खाली छड़ दित्ते सन। खाली पन्नियां दे स्थान तो परंपरिक विचारां दी पुष्टि नहीं हुंदी। नंबर 2 भाई बन्नों वाली बीड। ग्रंथ मुकम्मल करन तो तुरंत मगरों गुरु साहिब ने अपने एक पैरोकार भाई बन्नों नूं खरड़े दी जिल्त बनवाउण लई लाहौर ले जाण लई आख्या। लाहौर नूं जाण ते आउण समय जदों इस दी जिल्द तैयार हो रही सी भाई बन्नों ने अपनी वरतों लई इस दी एक नकल तैयार कर ली। इस संस्करण विच उसने कुछ वाधू बाणियां भी दर्ज कर लईयां। भाई बन्नों दी बीड दियां कुछ नकलां भी मिलदियां हन। नंबर 3 दमदमे वाली बीड। पहलियां 2 बीड़ां विच्चों पहले 5 गुरुआं ते संतां भगतां दी बाणी शामिल सी। 6वें, 7वें ते 8वें गुरु ने कोई बाणी ना रची, पर 9वें गुरु तेग बहादुर ते उन्हां दा पुत्तर 10वां गुरु गोबिंद सिंह बाणी दे वड्डे रचेता सन। गुरु अर्जन वल्लों लिखवाई गई बीड़ दे खाली पन्नियां दी थां उन्हां दी लिखी बाणी दर्ज करन लई काफ़ी नहीं सी ते ना ही खाली पन्ने ऐसी थां ते हन जिन्हां तो यह स्पष्ट हुंदा होवे कि गुरु जी ने यह बाणी निश्चित रूप विच होर बाणी दर्ज करन लई छड्डे सन। गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी बाणी ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं कीती। उस दे चेले भाई मणि सिंह ने एक वक्रे ग्रंथ विच जिस नूं 10वें पातशाह दा ग्रंथ कहा जाता है उस दी बाणी संग्रहित कीती, परंतु गुरु गोबिंद सिंह दी एह इच्छा जरूर सी कि उन्हां दे पिता दी बाणी ग्रंथ विच दर्ज कीती जावे। जापदा है कि आनंदपुर विच रहिंदियां ही उन्हां ने ग्रंथ विच ओह बाणी दर्ज कर ली सी ते आनंदपुर दी तबाही पिछों जदों उन्हां नूं 1704 दे युद्ध विच पिछों दमदमा विच कुछ साह लैण दा मौका मिलिया तां उन्हां ने भाई मणि सिंह नूं ओह ग्रंथ मुड़ लिखवाया। अज कल गुरुद्वारियां विच आदि ग्रंथ दी जिस बीड़ दा प्रकाश कीता जांदा है ओह दमदमा विच भाई मणि सिंह जी दी लिखी होई बीड़ दे उतारे ही हन। योगदानी। आदि ग्रंथ जिस नूं हुण प्रमाणिक मन्निया जांदा है ते जिस नूं गुरुद्वारियां विच गुरु दे सरूप विच सतिकार दित्ता जांदा है 6000 शब्दां दा वड्डा अकारी ग्रंथ है। इस दे योगदानियां नूं 4 भागां विच वंडिया जांदा है। ऊड़ा 6 गुरु सहबान। इन्हां विच पहले 5 गुरु ते 9वें गुरु तेग बहादुर दी बाणी है। सब तों वध बाणी
218 शब्द गुरु अर्जन दे लिखे हुए हैं ते उस तो मगरों गुरु नानक दे 974 अमरदास दे 907 रामदास दे 679 तेग बहादुर दे 105 ते अंगद देव 62 शब्द हैं। ऐड़ा हिंदू भगतां ते मुसलमान सूफी ग्रंथ विच 16 हिंदू भगतां ते मुसलमान सूफियां दे शब्द दर्ज हैं। काल करम अनुसार सब तो पहला बंगाल दा जयदेव, पंजाब दा फरीद, महाराष्ट्र दे नामदेव, त्रिलोचन दे परमानंद, सिंध दा सदना, उत्तर प्रदेश तो बेनी ते रामानंद, राजस्थान दी मीराबाई, पीपा सैन, कबीर ते रविदास, उत्तर प्रदेश दे ते अवध दे अन्ने कवि सूरदास दे शब्द हन। ग्रंथ साहिब विच भगतां ते सूफियां दे दर्ज शब्द 4 सदियां दे धार्मिक विचारां दी प्रतिनिधता करदे हन, परंतु ओह निश्चित रूप विच हिंदी, मराठी ते होर दूसरियां भाषावां जिन्हां विचों लै के ओह पंजाब विच लिआंदे गए पूरी तरह मेल नहीं खांदे। स्पष्ट है कि जिस समय ओह पंजाब विच लिआंदे गए जां लिखे गए उन्हां विच कुछ भाषाई तब्दीलियां कीतियां गईयां सन, परंतु एक बार जदों उन्हां नूं ग्रंथ विच दर्ज कर लिया गया तां मूल पाठां विच कोई तब्दीली नहीं कीती गई। यह लगभग उचित संभावना लगती है कि भगतां ते सूफियां दी सही रचना ओह है जो ग्रंथ विच मिलती है। दूसरे थाई मिलती रचना विच उन्हां दे पैरोकारां वल्लों अंतर कीता गया है। ईडी भट्ट कवि गुरु साहिबान दे दरबार विच अनेका भट्ट सन। उन्हां दीयां रचनावां मुख रूप विच अपने स्वामियां भाव गुरु साहिबान दी उस्तत विच गाए गए सोले हन। भट्टां दी सही गिनती निर्धारित करना संभव नहीं क्योंकि उन्हां विचों बहुतियां ने अपने उपनाम वरते हन जिहड़े शब्दां विच इस तरह घुले मिले हन जिवें ओह उपनाम ना होण सगों उन्हां शब्दां दा अनिखड़वां अंग होण। भगतां सूफियां ते भट्टां दे शब्दां दी गिनती 937 बनदी है। ससा होर योगदानी गुरु नानक दे साथी ते चेले मरदाना सुंदर सत्ता ते बलवंड जो प्रशंसामई वार दे लेखक हन उपरले तिन्ना ही वर्गां नालों वक्खरे हन। बाणी दी तरतीब ग्रंथ दे शब्दां दी रचना जां विषय वस्तु अनुसार नहीं सगों 31 रागां अनुसार व्यौंत कीती गई है। जिस तरह गाए जाण दा क्रम निर्धारित कीता गया है सिख गुरु साहिबान ने जिस गल ते वधेरे जोर दिता है ओह ज्ञान मार्ग जां भगती मार्ग नहीं सगों नाम मार्ग सी। ओह संगीत दे माध्यम राही अलाही रूप नूं विस्माद प्राप्ति दा उत्तम मार्ग जां साधन समझदे सन जिस नाल प्रभु दा मिलाप हुंदा है। रागां दी चोण बड़े ध्यान नाल कीती गई सी। जेड़े राग काम वेग ते भावना उभारदे हन उन्हां नूं छड दित्ता गया सी। मेघ ते हिंडोल नूं उन्हां दी वधेरे खुशी वाली सुर कारण छड्या गया सी। दीपक ते हिडोल नूं उन्हां दी उदासी वाली सुर करके त्यागिया गया सी। संगीतकारां नूं रागां दी पचेदगियां दी व्याख्या करन तों बचन दी हिदायत कीती गई सी। सगों इस सरल ढंग नाल गायन करन लई आख्या गया जिस नाल स्रोते नूं शब्द चंगी तरह समझ आ सकन। गुरु साहिबान दीयां रचनावां रागां अनुसार संग्रहित हन ते उन्हां मगरों भगतां दीयां रचनावां आउंदियां हन। पावनता गुरु साहिबान दीयां रचनावां सदा ही उन्हां दे पैरोकारां लई पावन ते पूजन योग समझियां जांदियां रहियां हन। गुरु नानक ने कहा उस दे शब्दां विच सत करतार विद्यमान है क्योंकि उन्हां दी रचना उस दे हुक्म नाल ही लिखी हुई है ते उन्हां ने ही उस नूं श्रवण कीता है। चौथे गुरु गुरु रामदास ने कहा
सच्चे गुरु दे शब्दां नूं अंतिम सच प्रवान करो, क्योंकि यह शब्द उस दे मुहों परमात्मा ते संसार दे रचन हारे करता पुरख ने ही कढ़वाए हन। वार गौड़ी। जदों गुरु अर्जन ने हरिमंदर विच ग्रंथ की स्थापना करवाई तो उन्होंने अपने पैरोकारां नूं आदेश दिता कि ओहो इस नूं ओहो सतिकार देन जो ओहो गुरु साहिबान नूं दिंदे हन। गुरु गोबिंद सिंह दे समय तक ग्रंथ दियां बीड़ां दी स्थापना बहुत सारे गुरुद्वारियां विच कीती जा चुकी सी। इह सुभाविक ही सी कि जदों उन्होंने देहधारी गुरु की परंपरा समाप्त करन दा ऐलान कर दिता सी तां उन्होंने अपने पैरोकारां नूं गुरु ग्रंथ तों अगवाई लैण ते उस नूं दसां गुरुआं दा सरूप समझण दा आदेश दिता। ग्रंथ साहिब हर गुरुद्वारे विच पूजा दी प्रथम वस्तु है। इस नूं आम करके रेशमी कपड़ियां विच लपेट के पीड़े ते स्थापित कीता जांदा है। इस दे उपर चंदोआ हुंदा है ते जदों इस दा पाठ कीता जांदा है तां संगत विच्चों इक सेवक खड़ा हो के चौर चलाउंदा है। उपासक गोड्यां भार हो के मत्था टेकदे हन ते रुपए पैसे जां समगरी भेटा करदे हन, क्योंकि ग्रंथ उन्हां लई ओह इसे तरह ही है जिवें गुरु साहिब उन्हां दे वड वडेरियां लई सच्चा पातशाह सन। सिख पंथ विच हिंदुआं दे प्रवेश नाल हिंदू धर्म दियां बुत पूजा नाल जुड़ियां बहुत रीतां ग्रंथ साहिब नाल भी जोड़ दित्तियां गईयां हन। सवेर समय इस दा प्रकाश काफ़ी रोह रीतां नाल कीता जांदा है ते शाम वेले भी फिर संतोख के रात भर आराम करन लई एहो रीतां दोहराईयां जांदियां हन। खास मौकियां ते पाठियां दी इक टोली वल्लों पाठ कीता जांदा है। इस तरह दे पाठ नूं दो दिन ते रातां लगदियां हन। सत दिनां दे पाठ नूं सप्ताहिक पाठ कहा जांदा है। इस प्रकार दे निरंतर पाठ नूं संपट पाठ कहा जांदा है। इस तरह दे किसी भी पाठ नूं गुरु साहिबान दी प्रवानगी प्राप्त नहीं है। यह सब रीतां 19वीं सदी दे अंत विच प्रचलित होईयां हन। रणजीत सिंह दे दरबारी रोजाना मंचियां विच इन्हां दा कोई जिक्र नहीं है। वड्डे शहरां विच कुछ गुरु साहिबान दे प्रकाश गुरपुरबां दे समें जां 5वें-9वें ते गुरु गोबिंद सिंह दे साहिबजादियां दे शहीदी गुरपुरबां समें ग्रंथ साहिब नूं पालकी विच सजा के जलूस भी कढ़े जांदे हन। इन्हां रस्मां रीतां दे बावजूद भी ग्रंथ साहिब दा गुरद्वारे विच ओह स्थान नहीं जो बुत दा हिंदू मंदिर विच ते कुआरी मां दा कैथोलिक पादरियां दे गिरजे विच है। यह पूजा दी वस्तु नहीं सगों साधन है। ग्रंथ दी भाषा ते साहित्यक विशेषता। ग्रंथ विच भारत दे कई भागां तों वख-वख भाषावां बोलण वाले कवियां दीयां रचनावां दर्ज हन। सब तों पहले योगदानी जयदेव 12वीं सदी विच होए ते आखरी गुरु तेग बहादुर 17वीं सदी विच विचरे। बावजूद 5 सदियां दे फर्क दे जो पहलियां ते मगरलियां रचनावां एकत्रित कीतियां गईयां उन्हां दी भाषा ते विषय वस्तु विच विशेष समानता है। अर्जन देव जी ने उन्हां ही शब्दां दी चोण कीती जेड़े ओह भावना जगाउंदे सन, जिन्हां नूं गुरु साहिब अपने पैरोकारां विच जेहन नशीन कराउणा चाहुंदे सन। उस नूं भाषा बारे कोई औंकड़ नहीं आई सी, क्योंकि उत्तरी भारत दे बहुत सारे संत कवियां ने साध भाषा दी वरतों कीती सी, जिस विच वरती गई शब्दावली उत्तर भारत दीयां भाषावां विच हर थां आम समझी जांदी सी ते धार्मिक कविता भाव बाणी लिखण लई आम ही वरती जांदी सी। इस तो बिना जिवें कि पहला लिखिया गया है, बंगाल उत्तर प्रदेश ते महाराष्ट्र चों लईयां गईयां कवितावां जां बाणी दा ओ रूप ही प्रवान कीता गया जो पंजाबी समझ सकदे सन। भावें इह भाषा हुण अप्रचलित ते पुराणी हो चुकी है, फिर भी हिंदू धर्म दे पिछोकड़ वाले ते हिंदी जानन वाले व्यक्तियां नूं सुखियाई नाल समझ आ जांदी है। इस धर्म ग्रंथ दे
ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਰਵੋਤਮ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਅਰਜਨ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਿਕਾ 3 ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕਾਥਬ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪ ਵੀ 39 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੇ 556 ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਤੀਸਰੇ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਜਨਮ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸਮਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਕਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਮ ਤਰੀਖ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਜਨਮ 1540 ਤੇ 1560 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਦਾਸ ਦਤਾਰ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜੋ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਗਰੇ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਦੀ 36ਵੀਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। 1603 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ 1604 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਗੋਂ 2 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਬਰ ਨੇ 51 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਾਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜੋੜਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ
जिन्हां भरोसेयोग व्यक्ति हथ सौंप दिते गए सन उन्हां विच भाई बुढ़ा ते भाई गुरदास शामिल सन। गुरु की रिहाई पिछों गुरदास नूं काबिल विच घोड़े खरीदण भेजा गया। गुरु जी ने अपने पैरोकारां नूं हथियार बंद करन ते फौज सिखलाई देण दा फैसला कर लिया सी। उहदे इह सौदा करन तों पहलां ही रुपया चोरी हो गया ते निम्मो झूणा गुरदास अपने मालक दा सामना करन तों बेबस सी। उस नूं अमृतसर लिआंदा गया। उस दे स्वामी ने उस नूं माफ कर दिता ते उह फिर पहलां वांग अड्डो अड्डी खिलरे सिख संगठन दी एकता ते प्रबंध लई काम विच लग गया। इस समय गुरु जी दियां जुझारू गतिविधियां ते मुसलमाना नाल वधदी नेड़ता ने सिखां विच कुछ बेचैनी पैदा कर दित्ती। गुरदास अपने स्वामी दे पक्ष विच अगे आए। उस अनुसार गुरु हरगोबिंद दल भंजन गुरसूरमा वडियोदा बहु पर उपकारी सी। गुरदास ब्रह्मचारी रहा सी ते 1649 विच गोइंदवाल विच परलोक गमन कर गया। उस दी चिता नूं गुरु हरगोबिंद साहिब ने आप अग छुहाई सी। गुरदास दियां रचनावां दी इतिहासिक महत्ता। भाई गुरदास ने भावें कोई इतिहास रचना नहीं कीता सी पर उस दी 11वीं वार विच कई घटनावां ते व्यक्तियां बारे ऐसे संकेत ते हवाले हन जो अज दे इतिहासकार लई बड़े महत्वपूर्ण हन। उस दियां 39 वारां विच 85 बंद ऐसे हन जिवें वार पहली पौड़ी 17-48, वार 11, वार 21, पौड़ी 13-31, वार 24, पौड़ी 1-25, वार 26, पौड़ी 31-34, वार 30, पौड़ी 2-3, वार 3, पौड़ी 12, वार 20, पौड़ी 1 ते वार 38 पौड़ी 20 साडा ध्यान खिचदियां हन। भाई गुरदास दियां वारां विच काफ़ी महत्वपूर्ण ते व्याख्या योग उकाइयां ते भुल्लां रह गईयां हन। मिसाल दे तौर ते उसने पहले गुरु साहिबान दे उग्गे सिखां दी सूची दित्ती है परंतु उस विच गुरु नानक दे उग्गे श्रद्धालु तलवंडी दे जिमीदार राय बुलार दा नाम ही नहीं है। गुरदास ने आदि ग्रंथ दे संपादन बारे ते अकबर वल्लों उस ग्रंथ दी परख पड़ताल बारे भी कुछ नहीं लिखिया। 5वें गुरु दी शहादत बारे हवाला भी बड़ा अस्पष्ट ते धुंधला है। लेंदे गुरु दरियाओ विच मीन कुलीन हेत निरबाणी दर्शन देख पतंग ज्यों जोत अंदर जोत समाणी शब्द सूरत लिव मिर्ग ज्यों भीड़ पई चित अवर न आणी चरण कंवल मिल भवर ज्यों सुख संपट विच रैन विहाणी गुर उपदेश न विसरै बाबी है ज्यों आख वखाणी गुरमुख सुख फल पिरम रस सहज समाधि संग जानी गुरु अर्जन विट हो कुरबाणी। इस भुलेखे की इको एक मनण योग व्याख्या एहो दिती जा सकती है कि गुरदास दा मनोरथ पवित्र बाणी विच्चों कुछ नुक्त्यां नूं स्पष्ट करना ते सिखी जीवन दे आदर्शां दा प्रचार करना सी ना कि इतिहास दी पुस्तक लिखना सी। गुरदास दियां रचनावां गुरदास दियां वारां दा पद्धर इको जिहा नहीं है। उस दी शैली भी गुंझलदार है। कुछ तां बड़ियां तरतीब विच हन ते इकसार दूसरियां दी शब्दावली पुराणी ते अप्रचलित है ते व्याकरण दे नियमां दी उलंघना करदी है। गुरदास दियां वारां दा संस्करण जो हुण प्रचलित है उस विच उसे नाम दे शिकारपुर दे सिंधी कवि दी लिखी होई 40वीं वार है। सिंधी कवि बंदा बहादुर दे समें विच होया है। उस दी रचना भावें उसे छंद विच लिखी होई है जिस विच पहले गुरदास ने वारां लिखियां पर उस दी काव्य विशेषता वधेरे चंगी पद्धर दी है ते गुरु गोबिंद सिंह दे आदर्शां ते मनोरथां नूं वर्णन करन लई आम ही हवालियां वजों वरती गई है। अंतिका चौथी दसम ग्रंथ
गुरु गोबिंद सिंह दे नाम नाल मनसूब कीतियां गईयां रचनावां दे संग्रह नूं दसम ग्रंथ जां दसवें पातशाह का ग्रंथ कहा जांदा है। यह हेठ लिखियां 18 रचनावां ते आधारित है। जाप साहिब, अकाल उस्तत, बचित्र नाटक, चंडी चरित्र दूजी, चंडी दी वार, ज्ञान प्रबोध, 24 अवतार, मेहंदी मीर बुद्ध, ब्रह्मा अवतार, रुद्र अवतार, शब्द हजारे, श्री मुख वाक सवैये, खालसे की महिमा, शस्त्र नाम माला, आख्यान चरित्र, हकायतां ते जफरनामा। यह रचनावां चार वख वख भाषावां ब्रिज हिंदी फारसी ते पंजाबी विच हन। इस संपादित रचना नूं सौख लई चार भागां विच वंडिया जा सकता है। मिथिहासिक, दार्शनिक, स्वै जीवनी, मूलक ते प्रेम काव्य। अधिक भाग मिथिहासिक है ते ओह हिंदू मिथिहास दियां प्रसिद्ध कथावां दा पुनर्वर्णन है। चंडी चरित्र ते चंडी दी वार हिंदुआं दी देवी दुर्गा दियां लड़ाइयां दा वर्णन करदियां हन। 24 अवतार, मेहंदी मीर बुद्ध, ब्रह्मा अवतार ते रुद्र अवतार भी उस तरह ही हिंदू त्रैमूर्ति दे वख वख पहलुआं दे पुनर अवतरण दियां कथावां हन। जाप साहिब जो गुरु नानक दे जपजी तो भिन्न है, अकाल उस्तत, ज्ञान प्रबोध, शब्द हजारे ते कुछ शब्द दार्शनिक ते भगती भाव संबंधी हन ते उन्हां दी वरतों गुरु जी दे समय तो ही सिख अरदास ते धार्मिक रीतां विच कीती जांदी रही है। बहुत सारियां रचनावां विच रचना दा स्थान ते समा दित्ता होया है, जिस नाल सानू गुरु जी दीयां गतिविधियां बारे सहायता मिलदी है। ब्रचित्र नाटक विशेष करके गुरु जी दे उपदेश नूं समर्पित है ते उस दी आत्म कथा संबंधी है। उस ही वर्ग विच जफरनामा आउंदा है, भावें संदर्भ वखरा है जिहड़ा गुरु जी ने जित दे पत्तर दे रूप विच लड़ाई विच हारां खाण ते चारे पुत्रां दे मारे जाण पिछों सम्राट औरंगजेब नूं उस दी आत्म समर्पण कर देण दी सलाह दे उत्तर वजों लिखिया। पाख्यान चरित्र ते हकायदां भ्रिष्ट ते रसातल विच गिरे होए समाज दियां इस्त्रियां दे चलित्रां दियां कहानियां हन। कहानियां मौलिक नहीं हन ते प्रेम क्रीड़ा नाल लबरेज हन। संपादना दी मिति, बहुत सारा ग्रंथ गुरु जी दे आनंदपुर निवास समय संपादित कीता गया सी, जिथे गुरु जी ने 1674 ईस्वी नूं 8 साल दी उम्र विच आए सन ते जेड़ा उन्हां नूं 30 साल मगरों छड़ना पिया सी। 1704 विच आनंदपुर दे किले विच्चों घेरा तोड़ के जान मगरों ओह दमदमा पिंड चले गए, जिथे उन्हां ने वधेरे सुरक्षित हो के अपने पूर्वजां दीयां रचनावां दे उतारे भी कीते ते दसम ग्रंथ दे कुछ भाग दुबारा लिखे। इस साहित्यक गतिविधि कारण दमदमा कांशी जां सिखां दे बनारस वजों प्रसिद्ध हो गया। यह गल दिमाग विच रखनी चाहीदी है कि गुरु जी दमदमा साहिब कुछ महीना ही ठहरे सन। दसम ग्रंथ दे वर्तमान संस्करण, गुरु गोबिंद सिंह जी दीयां रचनावां दे संग्रह तैयार करन दा कार्ज उन्हां दे पैरोकार ते साथी भाई मणि सिंह ने अपने हाथ विच लिया ते इस नूं 9 सालां विच पूरा कीता। उस ने कुछ उतारे तां दूसरे पैरोकारां तों प्राप्त कीते ते जो खप्पे रह गए सन उन्हां नूं अपनी याद शक्ति दे सहारे पूरा कीता। दसम ग्रंथ दे भिन्न भिन्न संपादित ग्रंथ मिलते हैं ते होर भी खोज जारी है। उन्हां विच दूसरियां दे टाकरे ते 3 वधेरे प्रसिद्ध संपादित ग्रंथ हन। एक भाई मणि सिंह वल्लों अपने हत्थां नाल लिखिया होया है जो नवीं दिल्ली दे गुलाब सिंह सेठी पास है। दूसरियां दो जिल्दां गुरद्वारा पटना साहिब ते संगरूर विच हन, जिहड़ा संस्करण सिंह सभा ने तैयार कीता ते जो आम ही छपिया होया मिलता है ओह भाई मणि सिंह दे नाम नाल जुड़े संस्करणा दे अनुसार ही है। दसम ग्रंथ दीयां रचनावां दी प्रमाणिकता, इस विषय ते विद्वानां दे वख-वख मतभेद हन।
1896 ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਚ ਮੰਡਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੰਸਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 32 ਸੰਸਕਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ 10ਵ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੰਸਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ DP ਅਸ਼ਟਾ, ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੈਕਾਲਿਫ, ਕਨਿੰਗਮ, ਨਰੰਗ ਅਤੇ ਬੈਨਰਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ 10ਵ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ, ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਹੜ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਹੜ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ 1699 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਅਤੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਭਗਤੀ ਕਰਨ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਕਾਵਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਭਾਗ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕਥਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਚੁਪਈਆਂ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਤਾਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ, ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ, ਪਖਿਆਤ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਕਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਹਨ। ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1716 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਭੇਜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ 303 ਤਰੀਆਂ ਚਰਿੱਤਰ ਉਪਾਖਿਆਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਟਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 303 ਚਰਿੱਤਰ ਉਪਾਖਿਆਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੂਲ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤ੍ਰਿਆਂ ਚਰਿੱਤਰ ਉਪਖਿਆਨ
जिवें यह अजकल दसम ग्रंथ विच हन, उस विच कहानियां दी गिनती 303 नहीं 404 है, जो मणि सिंह ने खत दे नाल भेजियां, ओह निरसन दे दसम ग्रंथ दे वर्तमान स्वरूप विचलियां कहानियां नहीं सन। मणि सिंह दे नाम नाल मनसूब किते गए दसम ग्रंथ विच यह भी लिखा है कि गुरु गोबिंद सिंह दे दरबार विच 125,000 शेयर रचे गए, खरड़े दे पन्ने 615 जो कि गुलाब सिंह सेठी दे पास है विच स्पष्ट लिखा है कि कुल श्लोकां दी गिनती 125,000 है। इस तरह स्पष्ट है कि विचार अधीन ग्रंथ दी रचना दा केवल दसवां हिस्सा है, ते इस तरह दसम दा अर्थ है दसवां हिस्सा, ना कि दसवां गुरु। काव्य पंक्तियां इस तरह हन, सवा लाख छंद अगे सोए, इसमें एक घट नहे होए। दसम ग्रंथ दियां मिथिहासिक रचनावां उस समय दे प्रचलित नमूने ते शैली अनुसार हन। यह समा साहित विचारां दी चोरी दा युग सी, ते उस विच बहुत सारी वरती गई बिंबावली ब्रिज ते हिंदी विच आम वरती जांदी सी। इस गल दी जबरदस्त संभावना है कि 52 कवि जो निश्चित तौर ते ही सारे ही करतारी काविक प्रतिभा दे स्वामी नहीं सन, ओह काफ़ी सारियां याद कीतियां कवितावां दे हिस्से लैके आए जो ग्रंथ दा भाग बन गए। सिरखंडी छंद विच वीर रसी रचना इस नकल कीते नमूनियां नालों वक्री है, ते जरूर ही उसकी रचना आनंदपुर विच कीती गई होवेगी। फारसी दियां कहानियां हकायतां भी प्रसिद्ध फारसी रचनावां दा प्रतिरूप जां उतारा ही हन। इस गल दी उका ही कोई संभावना नहीं है कि सिखां दे रूहानी आगू ने अपना नाम पखियान चरित्र नाल जोड़न दी आग्या दित्ती होवेगी। दसम ग्रंथ दे विच मिलदे सब काम चेष्टा नाल भरपूर अंश उस दे उत्तम चरित्र ते उस दे योद्धियां वाली करड़ी घालना ते सादगी वाले जीवन नाल मेल नहीं खांदे। एहो सिट्टा निकलदा है कि दसम ग्रंथ दी बहुती रचना गुरु गोबिंद सिंह दी नहीं है, सगों उस दे दरबारी कवियां दी रचना है। केवल ओहो भाग ही निश्चय नाल गुरु जी नाल जोड़े जा सकते हैं जेड़े उन्होंने अपने जीवन काल विच अपने पैरोकारां नूं अरदास दा भाग बना के अमृत छकाउण वेले ते होर नितनेम दी मर्यादा निभाउण समय पढ़न दा हुक्म दिता। उन्हां दी दूसरियां रचनावां रचन विच वी भावें कोई भूमिका होवे, परंतु कोई दो टुक फैसला घातक होवेगा। भाषा ते साहित्यक विशेषता दसम ग्रंथ दी भाषा ब्रिज है, ते एक पासे ओह संस्कृत नाल जा मिलदी है, ते कई थाई गलबात विच वरती जांदी भाव लौकिक हिंदी है। जफरनामा ते हकायतां फारसी विच हन, ते कई होर रचनावां विच कई छंद पंजाबी विच हन। रचनकारां ने अर्ध संस्कृत दे अर्ध फारसी शब्द भी घड़े। इन्हां विच कुछ रचनावां बहुत सुंदर ते शक्तिशाली हन। राम अवतार चों हेठ लिखियां पंक्तियां विच जदों सीता दी सुंदरता दा वर्णन कीता गया है, तां मिश्रित भाषा दी वधिया मिसाल मिलदी है। जुल्फे अनूप जहां की नागिन की स्याहां बाकी अद्भुत अदाए तां की ऐसो ढोलन कहां है। युद्ध दे दृश्यां दा वर्णन अति शक्तिशाली तिखी सुर वाले काफिए विच है, जो कई वार एक शब्द दी सतरदा हुंदा है। इन्हां विच चंडी वल्लों लड़ियां गईयां लड़ाइयां ते गुरु जी वल्लों नदौण ते पंघाणी विच पहाड़ी राजां नाल लड़े गए युद्ध प्रेरणादायक ते उत्साहित करन वाले हन। प्रेम ते कुदरती नज़ारियां दे दृश्य जो विशेष करके कृष्ण अवतार हन, मन नूं धू पाउंदे हन। अज असी सिख इतिहास किताब दा भाग पहला पढ़ चुके हाँ।
पन्ना नंबर 301। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।